पंजाब में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जहां सरकारें डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू पूर्वी अमृतसर विधान क्षेत्र में पहुंच के इलाके को फॉगिंग करवा रही हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि कोरोना वायरस के आने के बाद दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने कहा कि हम डेंगू को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अमृतसर से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। वार्ड नंबर सही चाहे फॉगिंग मशीन अपनी खरीद रहे हैं क्योंकि थोनों भी पता है भी जायका वायरस भी आ गया, डेंगू भी काफ़ी फैलिया हुआ है। इसलिए असी सोचा कि बजाय कि असी डिपेंडेंट रहिए कॉरपोरेशन से, असी अपनी मशीन खरीद लिया। हर दो वार्डा पिछे साढ़े को एक मशीन होगी, प्लास्टिक स्पेयर होगी, दवाई असी अपनी खरीदांगे। तो साढ़े को 10 मशीन अज तो कल दे सारे वार्ड्स दे विच असी जमा करवा देंगे, पर असी रोज़ अपनी फॉगिंग करांगे, असी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होवांगे। मैडम, जो डेंगू के केस इस बार काफ़ी बढ़ गए, कोरोना तो बाद डेंगू नहीं कहते हैं, इतना बढ़िया से की कहना चाहते हो इस दिन लैकिंग में मानते हो तुम, क्या की कहना चाहते हो? देखो बेसिकली जिवें कोरोना वायरस आया, कोई भी मेडिकल जिहड़ी बीमारी है असी उन्हों रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जे असी कहीए कि शहर चों या जे तुसी कहो भी अमृतसर ईस्ट चों, तो जिवें ये इन्ने साल पुराना सीगा उस तो अज बहुत साफ है। तुसी देखो पहली बार जिहड़ी रोड दे साइड ते चैनल्स भी बन रहे हैं इत्थे ताकि जिहड़ा पानी खड़ा ना होवे। सो इहदे हिसाब नाल तां घटना चाहीदा सीगा, पर किते ना किते जदों दा कोरोना वायरस आया है असी रिलेट कर रहे हैं उहदे नाल, पर ईवन कोरोना करके लोगों के प्लेटलेट्स बहुत घट रहे हैं, पर असी इसलिए एक्सट्रा कॉशियस हो के ताकि असी डिपार्टमेंट ते बोझ ना पाइए, असी आप भी अपने आप को ठीक करिए। साढ़े जिहड़े अवेयरनेस कैंप्स हैं उहदे भी असी बच्चों तो संडे वाले दिन जिस दिन 14 नूं असी कर रहे हैं ट्रैफिक अवेयरनेस रैली जिहड़ी पूरे पंजाब छो रही है जिते कोई चलान नहीं कटना, इंज असी कह रहे हैं डेंगू अवेयरनेस रैली, उहदे विच इह की है कि दिने मच्छर कटदा है, किते भी घर च अपने पानी किते नहीं दिखना चाहिए ताकि मच्छर वो वाला दिने वाले पानी ते आंदा है। बचना किवें है, टायरां च नहीं जाना चाहिए, पुराने कूलर नहीं भरे हुए होने चाहिए। सो किते ना किते पढ़ाई दे नाल नाल अवेयरनेस दे नाल नाल ध्यान रखा जावे ताकि सेहतां भी अपनी वधिया रहन। मैडम, एक तुहाडे बेटे ने भी एजी तों सिलेक्ट कीता सी, बाद दे विच जदों थोड़ा रौला पिया तुसीं छड्डदा सी तुहाडे बेटे ने, हुण रंधावा साहब दे जिहड़े जवाई ने सानू बुला उहनां नूं भी एजी लै गया, विरोध कर रहीयां सियासी पार्टियां, पर रंधावा साहब कह रहे मैरिट दे उत्ते ने की कहना। देखो जे मैं अपने बेटे की गल करा, मैं पहला कहा वो सारे स्कूल च टॉपर रहा, उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी तो नहीं, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया रैंकिंग तो लॉ की है। आप ये भी नहीं कह सकते भी पंजाब च कोई छोटे मोटे कॉलेज कोई वो करके की है, ऑल इंडिया रैंकिंग चो आया। LLM जाके उन्हें कार्डोजो लॉ स्कूल चो न्यूयॉर्क चो की, उहदी बहुत चंगी प्रैक्टिस छुड़ा के दिल्ली वो बोरा सब तो वड्डे वकील नाल 1.5 लाख रुपया ऑलरेडी महीने का कमा रहा सी, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा सी, छुड़ा के सिर्फ ये सोच के कि बच्चे नूं अपने कोल रख लांगे साढ़े नाल रह जूगा, जिहड़ी पोस्ट उहनूं मिली उस तो बैटर पोस्ट ते वो कम कर रहा सी। तां वी जदों क्या, क्योंकि मेरे बच्चे इहो जिहे हैं या मैनूं भी नहीं लैन दित्ती दूजी सीट भी दोनों ने नहीं लड़ना। सो उन्हें पहले दिन जदों क्या भी नवजोत सिद्धू का बच्चा है, सानू कहने की जरूरत नहीं पई, वह कहना मैं नवजोत सिद्धू करके ना तो लॉ सिलेक्ट होया तो ना नवजोत सिद्धू करके मैं LLM सिलेक्ट होया, तो सारी उम्र मैं टॉपर रहा, मैं अपना काम कर सकता, मैं दिल्ली जाके करूंगा, तुसी पंजाब दे बच्चों नूं नौकरियां दे दो। देखो मैं उही कह रही हूँ, हर बंदे दी अपनी पर्सनल हुंदी है, हुण मेरे बच्चे ने अपना पर्सनल लिता भी मैं डिजर्व भी करदा सी, मैनूं हाई कोर्ट दे जजां दे फोन आए भी सब तो अच्छी जिहड़ी रीजनिंग है भी उहदी तैयारी है, क्योंकि वह अमेरिका तो पढ़ के आया सीगा भी उहदी सब तो अच्छी तैयारी हुंदी है, तुसी उहदा कैरियर सैक्रीफाइस कर रहे हो, पर मैं क्या नहीं हूँ नहीं मन रहा, हूँ ये पर्सनल रंधावा साहब से है भी उन्होंने किवें लैन या उन्होंने जोड़ा सन लॉ है किमें लवे, पर मैं भी ये कहनी हाँ कि जे तुसी डिजर्व करते हो, डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो मेरिट के हिसाब नाल थोड़ा नंबर बनता है, तो कोई हर्ज नहीं कि यही नहीं होना चाहिए कि असी MLA के बच्चे MLA के रिश्तेदार मतलब असी काम ही ना करिए, यही नहीं होना चाहिए।
पर जे तुसी मेरिट लिस्ट तो अलग होके लै रहे हो तो देन इट्स रॉन्ग। मैम नवजोत सिंह सिद्धू बार बार चरणजीत सिंह चन्नी दे सवाल चक रहे ने, ते किस तरीके दे नाल, मतलब क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो ये भी कह रहे ने कि मैं नहीं जेड़ा चुनिया सी बल्कि हाई कमांड ने चुन के भेजा। देखो नवजोत सिद्धू कोई भी नहीं हुंदा सी एम चूज करन वाला, पहला तो सीधी जी गल है, मैं थोड़ी बड़ी क्लैरिटी दे नाल कर लां, जो काम करता है हाई कमांड करता है। प्रॉब्लम ये सी भी आपां लड़े क्यों सी एम साहब नाल, अपनी कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, कैप्टन अमरिंदर की साढ़े सीनियर ते सके नहीं सी, अपनी लड़ाई इस गल ते हुई भी आपां इलेक्शन लड़े सी कई मुद्दियां ते, जदों मुद्दियां ते आपां हुण ध्यान नहीं दे रहे, जे बरगाड़ी वाला हो गया क्योंकि वह दिल के बहुत नेड़े सी, नवजोत जो तिन्नी बार गुरुद्वारे साहब गए वो वाला कांड हो गया, या जेड़ा ड्रग केस है सारे दुनिया च पंजाब बदनाम है ड्रग्स पिछे, हुण ड्रग्स की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, और कोर्ट कहिंदा है भी भाई स्टेट नूं भी तुसी रिपोर्ट खोलो, रिपोर्ट खोलो तो जिहदा नाम आ रहा है उन्हूं पनिश करो, असीं कह रहे हैं नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 40 MLA ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀ ਦੀ ਬੇਲ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਏਗਾ? ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੜੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਭੋਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਲਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
मैं रिपोर्ट पढ़ी हुई है। मैं देखो भोला ने बड़े साफ साफ चढ़ते हुए कहा सीगा कि विक्रम मजीठिया नू जाके फड़ो, ओदी वोटी दे नाम ते, ओदी वाइफ दे नाम ते प्रॉपर्टीज है जिहड़ियां की औलख ते बिट्टू औलख ने दित्तियां होई है, तो फिर थोनू टेंशन कर दी हो रही है। देखो मैं कहनी हाँ जे विक्रम आई एस आई दे इन्ने नेड़े है ना, तो फिर ओनू नहीं सानू तो जान सानू देखो सानू तो जानते नहीं, असी तो थोनू रीजन दसता भी भाई जफ्फी क्यों पाई सी, बंदे ने कहा भी असी लांगा खोल रहे हैं जफ्फी पा ली, वो तो असी किसी नू भी पा लांगे, मैं कहड़ा देखांगे, पर जे साडे लिंक हुंदे कि तेरे लिंक है तां तैनू हर गल पता हुंदी है, जे तेरे लिंक नहीं सीगे तो तू बोलिया क्यों नहीं है रूसा बारे, अज जो सारे बंदे रूसा नू क्वेश्चन कर रहे हैं, जदों थोड़ी सरकार रही इन्ने साल थोड़ी सरकार रही तुसी क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि रूसा किवें आती है किवें बाहर जाती है, तुसी मोदी नू जानते सी अमित शाह नू जानते सी क्यों नहीं जाके क्या खुली सी उदों वो जदों एक बार कैप्टन अमरिंदर को आई सी जदों उन्होंने कहा सीगा कि वो खुली नहीं है, वो बाहर आ गई सी प्रेस वालियां तो दित्ती है सानू जिहड़ी चंडीगढ़ की प्रेस है उन्होंने कागज़ फड़ाते सीगे जिहड़े अंडरग्राउंड करके उन्होंने कहा सी खोली नहीं क्योंकि डर गए भी असी नहीं नाम लेना उदा, पर असी पढ़ी है असी देखी सी मैं यही तो साड़ी लड़ाई है भी क्यों नहीं की गई देखो देखो जे उन्होंने यही सानू प्रॉब्लम लगी ताई तो नवजोत की लड़ाई हुई भी यही जहा एजी क्यों रख रहे हो भी आप फिर उन्होंने उतारे ही क्यों सीएम साहब नू उतारे क्यों जे आप ही काम करने से सो लड़ाई इस गल की सी भी वह बंदे नू क्यों रख रहे हो जिहड़ा सपोर्ट कर रहे है। देखो उन्होंने तो कल कहता या उन्होंने रख लो या मैनू रख लो, हूँ दोनों चो एक बंदा रहेगा।